सो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मेरा नाम है शिव सुंदर, स्वागत करता हूँ सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेवन जो सस्पेंशन होता है, जो सिरप होता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल्स जानने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो चलते हैं पूरा, मतलब एकदम से देर नहीं करते हैं, पूरा चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो है गाइज, ये है मल्टी विटामिन मिनरल, मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स सस्पेंशन जो कि है बेवन। दोस्तों इसको कौन सी कंपनी बनाता है? जुवेंटस बनाता है। दोस्तों इस जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड इसको बनाता है। दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसका प्राइस दोस्तों क्या है ना, 158.85 की ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ के अंदर आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ बीवन का कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, और छोटे बच्चों के लिए जो कि 3 साल से कम है, ठीक है, वो लोग सिरप यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कैप्सूल भी नहीं खा पाते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए दोस्तों ड्रॉप भी अवेलेबल रहता है मार्केट में। अगर हम मतलब सारा कुछ तो बता दिया दोस्तों, अगर हम इसके पैकेजिंग के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ दोस्तों दिखता है, लुकिंग मतलब बहुत ही बढ़िया दिखता है। उसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बॉटल है, खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा है। दोस्तों ये बॉटल है, उसके साथ साथ एक मेजरिंग कॉप टाइप का दिया हुआ है, जिसमें आप मेजर करके आप जितने ml चाहिए आप उसमें खा सकते हो, जितने ml आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए होंगे उतने ml आप इसमें लेके यूज कर सकते हो। दोस्तों पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका मतलब जो की बेनिफिट्स है, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स है इसके, उसी के बारे में बात करें। दोस्तों पहले मतलब जो बेनिफिट्स है, क्या करता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या करता है ना, जो नर्व सिस्टम होता है हमारा, उसको भी ये स्ट्रांग करता है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मतलब ख़राब नहीं होगा, इम्यूनिटी कम नहीं होगा हमारे, तो क्या आएगा ना, हमको सर्दी खांसी जुखाम वगैरह, गला खराब, ठीक है, हमारा ब्रेन फंक्शन, स्ट्रेस वगैरह, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, वो सब नहीं होगा अगर हमारे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा तो। दोस्तों ऐसे कि ब्रेन फंक्शन को ठीक रखता है, मतलब ब्रेन फंक्शन ठीक से हो पाता है, ठीक है, आप स्ट्रेस लें, मतलब जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, ठीक है, उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों उसके साथ साथ क्या करते हैं ना, आपको अगर वीकनेस लगता है, ठीक है, थकान लगता है, ठीक है, तो फिर क्या करना, उससे भी आपको ये सिरप यूज करने से रिलीफ देता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को मतलब हेयर फॉल होने का चांस रहता है, हेयर फॉल होने का मतलब प्रॉब्लम रहता है, चांस बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम रहता है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिला हुआ रहता है, मतलब ऐड किया है, तो उन मतलब जो हेयर ग्रोथ है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को स्किन डिजीज भी देखने को मिलता है, कुछ बच्चे भी ऐसे देख मतलब होते हैं जिन लोगों को क्या होता है ना, मतलब चेहरे पे व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, ठीक है, कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा छोटे मतलब बच्चे होते हैं जिनके फेस में व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, वो भी ये सिरप को यूज करने से आपको वो भी ठीक हो सकता है, या फिर वो नहीं भी आ सकता अगर मतलब किसी बच्चे में आ रहा है तो। दोस्तों अभी उसके साथ साथ क्या हो रहा है ना, जैसे बताया आप सबको, स्किन डिजीज तो ठीक करता है, उसके साथ साथ क्या होता है ना, भूख भी बढ़ाता है, ठीक है। दोस्तों जो मतलब ज़्यादातर छोटे बच्चे तो हम लोग तो खाते रहते हैं, मतलब विटामिन्स मिनरल्स बहुत सारे मतलब फूड खाते रहते हैं, फ्रूट्स खाते रहते हैं, हमारे मतलब डाइट में ऐड करते हैं, फ्रूट्स डाइट में ऐड करते हैं, वेजिस डाइट में ऐड करते हैं, पर क्या है ना, छोटे बच्चे खा नहीं सकते जितनी मात्रा में उनको चाहिए, ठीक है, तो क्या है ना,
उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहता है ये वाला जो मतलब ड्रॉप आता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, सेल डैमेज होने का भी चांस रहता है, ठीक है। सेल डैमेज जो होता है उससे भी ये सिरा बचाता है, ठीक है। सेल डैमेज नहीं होने देता है, उससे भी आपको रिलीफ देता है ये बेवन का सिरप। दोस्तों जैसे कि आप सबको बताया पहले कि जो छोटे बच्चों के फेस में व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है, क्योंकि उन लोगों को मतलब विटामिन्स की कमी देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है ना, व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर खाना नहीं खा पाते हैं, जितना न्यूट्रिशन चाहिए उन लोगों को उतना नहीं मिल पाता है। तो उससे रिलीफ देने के लिए, व्हाइट स्पॉट को ठीक करने के लिए ये सिरप, ये ड्रॉप को आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये मतलब बोन्स के लिए भी ठीक है, हड्डियों के लिए भी ठीक है, हड्डियों को मजबूत रखता है ये वाला सिरप, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर। तो ज़्यादा मतलब जैसे कि आप सबको मतलब बेनिफिट के बारे में बताया, तो फिर दोस्तों मतलब चाहे बच्चे हो या अडल्ट हो, ठीक है, जो भी हो, ये एक कम्प्लीट टॉनिक है, ठीक है, कम्प्लीट पैकेज है एक आप सबके लिए, आप सबकी सेहत के लिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। पर दोस्तों जैसे कि आप सबको मतलब वीडियो में बताता रहता हूँ कि किसी भी मेडिसिन यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ भी दिक्कत ना हो पाए। तो ये था तो बेनिफिट। अब बात करते हैं डोज के बारे में दोस्तों, इस मतलब कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोस्तों बता दूं आपको, इसके साथ साथ ये एक जो मेजरिंग कॉप दिया हुआ आता है, ठीक है, इसमें क्या करना है ना, आपको 5 ml दिन में एक बार लेना है, ठीक है। अगर आप एडल्ट हैं तो मतलब 15 साल से ऊपर है तो एडल्ट है, तो आप क्या करना है ना, 5 ml दिन में एक बार लेना है और खाने के बाद लेना है रात को, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आप 3 साल से 3 साल 3 उम्र वाले बच्चों जो होते हैं, ठीक है, 3 उम्र से कम बच्चे जो होते हैं, उन लोग के लिए दोस्तों ड्रॉप है, ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जो जो लोग 3 साल से ज़्यादा है और 6-7 साल से कम है, ठीक है, उन लोग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिरप भी दे सकते हो, जो कि ज़्यादातर क्या होता है ना, 2 से लेके 3 ml उन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो, जो कि रात में एक बार जैसे बताया आपको खाने के बाद इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हो। दोस्तों इसका कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है ना दोस्तों, जैसे कि बताया आप सबको, पता है आप सबको कि इसमें विटामिन्स मिनरल्स आर रहता है, जो कि क्या करता है ना, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता ही है। उसके साथ साथ क्या करता है ना, आपकी नर्व सिस्टम का भी ख्याल रखता है, उसको भी स्ट्रांग रखता है दोस्तों, उसको भी स्ट्रांग रखता है, जो कि क्या करता है ना, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर्दी खांसी जुकाम वो सब वगैरह, ऐसे बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। जैसे कि आप मतलब अभी कुछ दिन पहले कि कुछ महीने पहले आप मतलब कोरोना जाके गया, मतलब आके गया है अभी, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा मददगार रहता था ये वाला सिरप। दूसरी बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो कि बेवन सिरप क्या करता है ना, जो कभी कभी क्या होता है ना, वीकनेस रहता है हमारे बॉडी में, थकान रहता है, ठीक है, उसको ये दूर करता है, थकान को दूर करता है, बॉडी बॉडी में वीकनेस को दूर करता है। और दोस्तों उसके साथ साथ किसी भी इन्फेक्शन होता है अगर बॉडी में, तो ठीक है, बाहर का इन्फेक्शन कुछ भी आता है बॉडी में, शरीर में आता है, तो उसको भी ये दूर करता है शरीर से। तो तीसरी बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि ये विटामिन बी प्रोवाइड करता है, आयरन प्रोवाइड करता है, जिंक प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है ना, जो सपोर्ट करता है किसको ना, जो नॉर्मल कॉग्निटिव फंक्शन है, ठीक है, ब्रेन में, उसको ये सपोर्ट करता है और ब्रेन फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। चौथे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, इसमें विटामिन सी है, ठीक है, सेलेनियम भी आर है इसमें, तो ये क्या करता है ना, आपकी इम्यून को स्ट्रांग रखता है, जो कि डिफेंड करता है, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है उसको ये डिफेंड करता है, उसको उससे ये आपकी शरीर को रिलीफ देता है। दोस्तों इसके साथ साथ ये आपकी एनर्जी लेवल को भी स्ट्रांग रखता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी है, ठीक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो ये आपकी विटामिन को मतलब ये आपकी एनर्जी लेवल को भी शरीर में स्ट्रांग लगता है। इसके साथ साथ किसी भी मेडिसिन को यूज करने से आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि इसको साइड इफेक्ट इसका साइड इफेक्ट क्या है ना, आपको इसको यूज करने से आपको इचिंग हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है कभी कभी, और स्किन में पिंपल्स भी आने लगता है कभी कभी। अगर इस तरह से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले, डॉक्टर को थोड़ा सा कंसल्ट कर ले। अगर हम इसके मतलब बात करते हैं कि
प्रेगनेंसी पेशेंट जो प्रेगनेंसी महिलाएं हैं इनको इसको इस्तेमाल कर मतलब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेके कर सकते हैं। पर मैं मतलब मना करना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे मेडिसिन मतलब खाते हुए मतलब खाना पड़ता है, मल्टीविटामिन्स विटामिन्स बहुत सारे मेडिसिन खाना पड़ता है, तो उस टाइम पे इसको नहीं लेना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज करना है तो डॉक्टर की सलाह ले, एक बार पूछ लीजिए डॉक्टर से, अगर आप डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों डायबिटिक पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब स्वीट है, तो इसको डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक बार डॉक्टर की सलाह लेके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 3 मंथ्स यूज कीजिए, ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। 3 मंथ्स यूज कीजिए इसका, मतलब अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अगर आप सही से ये सिरप को इस्तेमाल करते हो या कैप्सूल को इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट दिखाता है। दोस्तों जैसे कि बताया आप सबको, ये न्यूट्रिशन को ठीक करता है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कमी होता है तो उसको ये ठीक रखता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, अगर मतलब सिरप खाने से तो नहीं मिलता, मतलब मिलता है पर सिरप खाने से पहले आपको ठीक सही से खाना चाहिए, सही सही खाना आपको मतलब खाना चाहिए। डाइट में फ्रूट्स ऐड करना चाहिए, वेजीज ऐड करना चाहिए, अंडे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए जो कि आपको आपके शरीर को मतलब स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथिन रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपकी हेल्थ के लिए। दोस्तों ये था सारा कुछ बेवन सिरप के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोग के लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आप लोग के फैमिली में, आप लोग के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो कि उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।